स्वागत है आप सभी का दोस्तों मेरे चैनल प्रोग्रामिंग विद नितिन में। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाला हूं, जिसको यूज करके आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन या लैपटॉप को एक एडवांस डिजिटल व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, नोटबुक या ग्राफ पेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी सिर्फ एक सिंगल क्लिक में। जो लोग मेरे चैनल को फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा कि इस वीडियो से पहले भी मैंने 3 वीडियो और बनाए हैं कि आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल या लैपटॉप स्क्रीन को व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड में कैसे कन्वर्ट कर सकते, और एक वीडियो में मैंने ईपिक पेन टूल का यूज करना भी बताया था। ईपिक पेन टूल का यूज करके आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए ईपिक पेन को भी साथ में यूज कर सकते थे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ भी लिखने के लिए या मीटिंग में प्रेजेंट करने के लिए। पर दोस्तों, आज जो टूल मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं या जिस टूल का डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको बताने वाला हूं, वो मेरे सारे पुराने बताए हुए टूल से 10 गुना अच्छा और एडवांस टूल है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ट्यूटोरियल और देखते हैं इस सॉफ्टवेयर को। तो आज मैं जो सॉफ्टवेयर आप लोगों को बताने वाला हूं, उस सॉफ्टवेयर का नाम है ओपन बोर्ड। ठीक है दोस्तों, ये ओपन बोर्ड सॉफ्टवेयर की वेबसाइट है जहां से आप इस ओपन बोर्ड को फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आप लोगों के लिए फ्रीली अवेलेबल है, और ये फुल वर्जन फ्रीली अवेलेबल है क्योंकि ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का यही फायदा होता है कि वो सभी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए फ्रीली अवेलेबल होता है, और इसका फुल वर्जन जो होता है वो फ्रीली अवेलेबल होता है। जैसा कि जिन लोगों ने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा ईपिक पेन का, वो लोग जानते होंगे कि जो ईपिक पेन था उसके कुछ ही जो ऑप्शंस हैं वो फ्री वाले वर्जन में अवेलेबल थे और पेड वाले वर्जन में उसके सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे। बट ये ओपन बोर्ड जो सॉफ्टवेयर है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और इसके सारे एडवांस फीचर फ्रीली अवेलेबल हैं। तो इसे आप अपने सिस्टम में फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं और इसके सारे एडवांस फीचर को आप यूज कर सकते हैं। इस वीडियो के बाद आपको लगेगा कि ये टूल वाकई काफी अच्छा है जब आप इसे यूज करेंगे और जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, जब मैं इसे डेमोन्स्ट्रेट करके बताऊंगा। ठीक है, तो इसके कई सारे फीचर्स यहाँ पे मेंशन है, जैसे कि इजी टू इंस्टॉल, ओपन सोर्स, यूनिवर्सल, सभी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये चलता है, विंडोज, मैक, लिनक्स तीनों के ऊपर ये इंस्टॉल हो सकता है, सिंपल है। ठीक है, ये छोटी से बड़ी क्लास सभी तरह के बच्चों के लिए आप यूज कर सकते हैं, उनको पढ़ाने के लिए आप यूज कर सकते हैं, इवन अपने ऑफिस के प्रेजेंटेशंस के लिए भी आप इसे यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे कई सारे कलर्स के पेन भी अवेलेबल हैं, कई सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। अभी मैं आगे इस वीडियो में इस टूल को आपको पूरा यूज करके बताऊंगा, तब आपको लगेगा कि ये टूल जो है काफी अच्छा और इजी है। ठीक है दोस्तों, तो इस वेबसाइट से आप इस टूल को डाउनलोड कर सकते हैं, गेट ओपन बोर्ड फॉर फ्री के ऊपर आप क्लिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये देखिए, ये डाउनलोड होने का पेज ओपन हो गया है। यहाँ पे जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम को आप यूज करते हैं, आप उस ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। विंडोज 7 पे भी ये इंस्टॉल हो जाएगा। आप यहाँ पे डाउनलोड ओपन बोर्ड फॉर विंडोज के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, डाउनलोड होने के बाद इस तरह से ये आपके सिस्टम के अंदर सेव हो जाएगा। इसकी जो exe फाइल है आपके सिस्टम पर सेव हो जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी। आपको इस exe फाइल को डबल क्लिक करके, इसके ऊपर डबल क्लिक करके आप माउस के लेफ्ट क्लिक से डबल क्लिक करेंगे इस तरह से, तो ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको नेक्स्ट 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 करके इसे पूरा इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, आपको स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऑल प्रोग्राम में जाना है और यहाँ पे आपको अपना ओपन बोर्ड जो सॉफ्टवेयर है उसे ओपन कर लेना है। ये देखिए, मैंने इसे ओपन कर लिया है। ठीक है दोस्तों, जैसे ही आप ओपन बोर्ड सॉफ्टवेयर को स्टार्ट में जाकर ओपन कर लेंगे तो इसका जो बाय डिफॉल्ट इंटरफेस है वो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, अब मैं एक एक करके आपको इसके सारे टूल्स के बारे में बता देता हूँ। जैसे जैसे आप इसे समझते जाएंगे, ये उतना ही ज़्यादा आपको ईजी और अच्छा लगने लगेगा और इसी को ही आप यूज़ करना चाहेंगे बार बार। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये इसका इंटरफेस है। यहाँ पे ऊपर आपके पास एक मेन्यू बार दी हुई है और नीचे आपके पास एक टूल बार दी हुई है। ठीक है, और साइड में ये पैनल है, यहाँ पे आप कितने भी पेजेस बना सकते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे पेज 1 बना हुआ है, यहाँ पे ऊपर पेजेस का एक आइकन दिया हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे पेजेस बनते जाएंगे। ठीक है, ये देखिए, ये यहाँ पे हमारे सारे पेजेस बन गए हैं, पेज 1, पेज 2, पेज 3 एंड पेज 4। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टाइम भी यहाँ पे साइमल्टेनियसली आपको दिखाई दे रहा है, आपके कंप्यूटर का जो टाइम है
वो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। इस आइकन से आप इस साइड बार को क्लोज कर सकते हैं, इस तरह से आप इस साइड बार को क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए आप इसे क्लोज और ओपन इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अब पेजेस के बाद यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है बैकग्राउंड का, ठीक है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे अलग अलग टाइप के बैकग्राउंड आपको दिख जाएंगे। पहला जो बैकग्राउंड है वो है प्लेन लाइट बैकग्राउंड, जैसा कि ये बाय डिफॉल्ट जो है प्लेन लाइट बैकग्राउंड को यूज करके ही ओपन हुआ। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे ग्रिड लाइट बैकग्राउंड, जैसे ही आपने ग्रिड लाइट बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करा तो यहाँ पे देखिए पीछे ग्रिड आ गई है। आप एज अ ग्राफ पेपर इसे यूज कर सकते हैं और इस ग्रिड को आप बड़ा और छोटा भी कर सकते हैं, जितना बड़ा और छोटा आप करना चाहते हैं आप इस ग्रिड को यूज कर सकते हैं। तो ये इस टूल की खासियत है कि आपको यहाँ पे ग्रिड के साथ में प्लेन व्हाइट बोर्ड भी मिल जाता है, ठीक है। आप अगर चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को ग्राफ पेपर का यूज करके बताएं तो आप इस ग्रिड का यूज करके वो चीज परफॉर्म कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है रूल्ड लाइट बैकग्राउंड। रूल्ड लाइट बैकग्राउंड जो है वो बिल्कुल एक कॉपी की तरह आपको दिखाई देगा। जैसे आप कॉपी के अंदर देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारी लाइंस होती हैं जिसपे आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक वैसे ही यहाँ पे कुछ लाइंस आपको मिल जाएंगी रूल्ड लाइट बैकग्राउंड के अंदर, ठीक है। तो आप यहाँ पे बिल्कुल उसी तरीके से लिख सकते हैं जिस तरह से आप कॉपी के अंदर लिखते हैं, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये मेरा टेक्स्ट टूल है, मैं आपको लिख के भी बता देता हूँ। जैसे मैंने इसे यहाँ पे इंसर्ट करा, यहाँ पे मैंने जो भी लिखना था वो लिख दिया है। यहाँ F के ऊपर मैंने क्लिक करा तो यहाँ पे अलग अलग फॉन्ट आपको मिल जाएंगे, फॉन्ट साइज आपको मिल जाएगी। यहाँ से मैंने फॉन्ट साइज को जो है चेंज कर लिया है और फॉन्ट साइज को मैं यहाँ पे अप्लाई कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए ये फॉन्ट साइज जो है वो अप्लाई हो गई है। इस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए तो बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे आप अपने कॉपी के अंदर लिख रहे हैं, ठीक है, नोटबुक के अंदर लिख रहे हैं। तो ये रूल्ड लाइट बैकग्राउंड का आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलता है प्लेन डार्क बैकग्राउंड। प्लेन डार्क बैकग्राउंड जब आप यूज़ करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप ब्लैक बोर्ड का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। व्हाइट बोर्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ग्राफ पेपर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, नोटबुक में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और ब्लैक बोर्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको मिलता है यहाँ पे ग्राफ पेपर ब्लैक कलर के अंदर, ठीक है, और रूल्ड लाइन भी आपको मिल जाती है ब्लैक बोर्ड के साथ में, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको मैं बता दूँ यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं। यहाँ पे ऊपर आपको इरेजर का ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे आप इरेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो सारी चीज़ें इरेज हो जाएंगी एक ही बार में, ठीक है। क्लियर करने का ऑप्शन है वो, साथ में आपको यहाँ पे ऊपर स्टाइलस का ऑप्शन मिलेगा जिसके थ्रू आप जो नीचे वाली टूल बार है उसे हाइड और अनहाइड कर सकते हैं, ठीक है। स्टाइलस के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये हाइड और अनहाइड हो जाएगी। साथ में यहाँ पे आपको कलर्स मिल जाएंगे, ठीक है, जो भी कलर आप यूज़ करना चाहते हैं पेन का वो कलर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ कलर्स आपको दिए हुए हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लिखने के लिए इस तरह से, ठीक है। इरेज के ऊपर क्लिक करा तो इरेज हो गया, ये देखिए मैं यहाँ पे आपको लिख के बता रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। आपको स्टाइलस की जरूरत पड़ जाएगी, फिर भी आप यहाँ पे कई सारी चीज़ें लिख सकते हैं इजीली, ठीक है। यहाँ पे आप लाइन का साइज जो है वो छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल लाइन, मीडियम लाइन, लार्ज लाइन आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आप जितना मोटा ब्रश का यूज़ करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं, पतले ब्रश का भी आप ये देखिए यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों में आपको डिफरेंस मिल गया। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे इरेजर मिलेगा, इरेजर का भी आप साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तीन साइज़ में आपको इरेजर मिल जाएगा, ठीक है। ये देखिए इस तरह से आप इरेजर का यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से ये जो इरेजर है ये वर्क करता है। बैकग्राउंड्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे अंडू और रीडू का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे हाइलाइटर का भी एक टूल मिल जाएगा जिसके थ्रू आप हाइलाइटर की तरह यूज़ कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे ये एक एरो का टूल मिलेगा जिसको आप सिलेक्शन टूल के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने कुछ लिखा है या आपने कुछ बनाया तो आप उसे मूव कर सकते हैं इस तरह से एरो टूल का यूज़ करके। उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा इंटरेक्टिव आइटम्स, ये भी एक अलग टाइप का कर्सर है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं, इंटरेक्टिव टूल आइटम। फिर यहाँ पे स्क्रॉल पेज का ये ऑप्शन है, ये देखिए आप पेज को इस तरह से स्क्रॉल कर सकते हैं। ये आपका पेज है जो आपको दिख रहा था, ये इस तरह से आपका पेज है जिसको आप मूव कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए आप इस पेज को इस तरह से मूव कर सकते हैं, ठीक है। जब आप पेज बनाते हैं तो पेज का कुछ साइज़ होता है जिसको आप यूज़ करते हैं, तो पेज को आप इस तरह से मूव कर सकते हैं।
इस स्क्रॉल पेज के ऑप्शन से। फिर यहाँ पे जूम इन और जूम आउट का आपको ऑप्शन दिया हुआ है, साथ में यहाँ पे वर्चुअल लेजर पॉइंटर का भी ऑप्शन है कि अगर आप लेजर पॉइंटर के साथ में पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को इस तरह से, ठीक है, तो आप लेजर पॉइंटर का ऑप्शन भी आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ड्रॉ लाइंस का एक ऑप्शन दिया हुआ है जिसके थ्रू आप शेप्स बना सकते हैं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आप शेप्स बना सकते हैं ड्रॉ लाइन का यूज करके, ठीक है दोस्तों। ड्रॉ लाइन से आप अलग अलग शेप्स बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये राइटर टेक्स्ट का ऑप्शन दिया हुआ है जिसके थ्रू आप लिख सकते हैं, कंप्यूटर टाइपिंग के थ्रू आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आप टाइप कर सकते हैं, आप इसको लेफ्ट सेंटर और राइट भी अलाइन कर सकते हैं, ठीक है, ये देखिए। साथ में यहाँ पे आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर आपको चाहिए आप सिलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। साथ में आप इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, कई सारे फॉन्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, फ़ॉन्ट का साइज़ आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए इस तरह से आप इसे मूव भी कर सकते हैं, जहाँ पे आप चाहें वहाँ पे आप इसे रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है कैप्चर पार्ट ऑफ द स्क्रीन। अगर आप इस बोर्ड पे कुछ भी काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि इसका एक स्क्रीनशॉट आपके पास आ जाए, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे स्क्रीन को इस तरह से कैप्चर भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप इसको कैप्चर करेंगे तो ऐड टू करंट पेज, करंट पेज पे वो ऐड हो जाएगा, ऐड टू न्यू पेज, न्यू पेज पे वो ऐड हो जाएगा, ऐड टू लाइब्रेरी, वो लाइब्रेरी में ऐड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप स्क्रीनशॉट को कैप्चर करके यहाँ पे ला सकते हैं, जैसे कि मैं आपको करके बता दे रहा हूँ। ये मैंने शो डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक करा, तो जैसे ही आपने शो डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक करा, इसने ब्लैक बोर्ड और व्हाइट बोर्ड का जो पोर्शन था उसको हाइड कर दिया है। अब ये जो टूल है ये आपके डायरेक्टली किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर वर्क कर सकता है, ठीक है, ये आपके क्रोम के ऊपर भी वर्क कर सकता है, ये देखिए, या आपके डेस्कटॉप के ऊपर भी वर्क कर सकता है, किसी के भी ऊपर वर्क कर सकता है। तो जैसे ही आपने स्क्रीनशॉट का ऑप्शन लिया, ये देखिए मैंने स्क्रीनशॉट का ऑप्शन लिया, तो ये पूछ रहा है ऐड टू करंट पेज, ऐड टू करंट पेज करो, तो देखिए करंट पेज पे स्क्रीनशॉट आ गया है। तो इस तरह से आप किसी भी स्क्रीनशॉट को अपने व्हाइट बोर्ड के ऊपर भी ला सकते हैं बहुत आसान तरीके से, ठीक है। बेसिकली मैं आपको यूज़ बता देता हूँ इसका कैसे कर सकते हैं। ये शो डेस्कटॉप पे मैंने वापस क्लिक करा, मैंने यहाँ पे लिखा ट्राइंगल, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखा ट्राइंगल, और यहाँ पे मैंने इमेजेस के ऊपर क्लिक करा, ठीक है। जैसे मैंने इमेजेस के ऊपर क्लिक करा तो ये देखिए यहाँ पे ट्राइंगल आ गया। इसे मैंने ओपन इमेज इन न्यू टैब करा, ये देखिए ट्राइंगल आ गया। इसको अगर थोड़ा बड़े साइज का आपको चाहिए तो आपने यहाँ से सर्च करा लार्ज साइज, ठीक है, ये लार्ज साइज आपने करा, देखिए ट्राइंगल आपके पास आ गया है, ठीक है। मान लीजिए इमेज आपके पास आ गई है, अब आपने यहाँ से करा स्क्रीनशॉट, तो स्क्रीनशॉट आपने इतना ले लिया और ऐड टू करंट पेज करा, तो ये देखिए ये स्क्रीनशॉट यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब देखिए आप इसको इस तरह से मूव कर सकते हैं, इंटरेक्टिव टूल के साथ में आप इसको मूव कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है, देख सकते हैं आप इसे मूव कर सकते हैं, ठीक है, ये देखिए। आपको जो भी स्क्रीनशॉट लेना है वो आप इस टूल के अंदर बहुत ही इजी तरीके से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे शो डेस्कटॉप का जो ऑप्शन है ये आपको मदद करेगा आपके कंप्यूटर स्क्रीन या किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं इसका यूज़ करके, क्योंकि इपिक पेन के अंदर रिस्ट्रिक्शंस है, इसके अंदर आपको कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं मिलेंगे, आप इजीली यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये टूल काफ़ी अच्छा टूल है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको करके बता दिया है, ठीक है। बोर्ड पे वापस जाने के लिए आप इस तरह से क्लिक करेंगे तो आप वापस बोर्ड के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपके जितने भी बोर्ड्स आप बनाएंगे वो सारे यहाँ पे सेव होते जाएंगे, ठीक है, ये देखिए सारे यहाँ पे सेव होते जाएंगे, ठीक है। आप डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने अभी तक जितने भी बोर्ड्स बनाए हैं वो यहाँ पे सेव होते जाएंगे। कई सारे बोर्ड्स का मैंने यहाँ पे यूज़ करा है, और ट्रैश में भी मैंने कुछ बोर्ड्स को रखा है जिसे मैं परमानेंटली डिलीट करना चाहता हूँ, तो उसे भी मैं डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा ट्रैश में भेजने का, डुप्लीकेट करने का, रीनेम करने का, कई सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। तो एक बहुत ही अच्छा टूल है जो कि एकदम इंटरेक्टिव है और कई सारे ऑप्शंस इसमें आपको मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ओपन बोर्ड का जो ये जो मेन इसका जो नाम है ओपन बोर्ड, इसका आपको यहाँ पे एक सिंबल मिलेगा। यहाँ पे आप पेज साइज भी चेंज कर सकते हैं, कट कॉपी पेस्ट का यहाँ पे ऑप्शन है, हाइड ओपन बोर्ड का यहाँ पे ऑप्शन है, स्लीप का ऑप्शन है, ठीक है, और क्विट का भी ऑप्शन है यहाँ पे।
ठीक है, यहाँ पे एक और एडवांस ऑप्शन है पॉडकास्ट का, यहाँ पे आप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, अपने बोर्ड को यूज करते हुए आप इस पूरी चीज को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। ये देखिए पॉडकास्ट के अंदर आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा ऑडियो रिकॉर्डिंग का, इंटरनल माइक, एक्सटर्नल माइक, स्मॉल, मीडियम, फुल, फुल आप कर देंगे तो फुल का रिकॉर्ड होने लग जाएगा। ठीक है, पब्लिश टू इंटरनेट, पब्लिश टू यूट्यूब, ठीक है, आप इसको डायरेक्टली यहाँ से यूट्यूब पे भी पब्लिश कर सकते हैं। ये देखिए ये रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है यहाँ पे, ये देखिए दिख रहा होगा आपको, ये रिकॉर्डिंग यहाँ से शुरू हो गई, जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक करा तो ये रिकॉर्डिंग होना शुरू हो गई थी। ठीक है, अब ये रिकॉर्डिंग सेव हो गई है। देखिए ये इतना ज़्यादा इंटरेक्टिव है, इस एप्लीकेशन में आपको कोई वीडियो अगर प्ले करना है तो वो भी आप प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ये जो पैनल है इसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा होम बटन का, होम के अंदर आपको यहाँ पे मूवीज मिल जाएंगी। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट इसके पास एक वीडियो जो है वो आप इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करके प्ले कर सकते हैं प्लेयर के थ्रू। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट इसके पास कोई प्लेयर है उसके थ्रू आप इस वीडियो को प्ले भी कर सकते हैं। ये देखिए कई सारे आइकन्स भी अवेलेबल हैं यहाँ पे, ऑडियो को भी आप यूज कर सकते हैं। ये देखिए ऑडियो भी आप प्ले कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे देखिए ये जो वेब का ऑप्शन है इसके थ्रू आपको एक पूरा वेब ब्राउजर भी मिल जाएगा जिसके थ्रू आप यहाँ पे डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं, आपको गूगल क्रोम भी ओपन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली आपको वेब ब्राउजर भी मिल जाएगा। बोर्ड पे आपको वापस जाना है तो आप बोर्ड के ऊपर क्लिक कर देंगे, वेब पे आपको जाना है तो आप यहाँ से डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हैं। ये देखिए मैं आपको सर्च करके बता दे रहा हूँ, वेब ब्राउजर की तरह ये काम करेगा और यहाँ पे डिस्प्ले भी हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल वेब ब्राउजर की तरह ही काम कर रहा है, तो यहाँ पे इनबिल्ट वेब ब्राउजर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बोर्ड पे रिटर्न करने के लिए आपको बोर्ड का ऑप्शन दिया हुआ है, वेब ब्राउजर ओपन करने के लिए वेब ब्राउजर का ऑप्शन दिया हुआ है, डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए जितने भी बोर्ड्स आपने बनाए हैं या आपने यूज करे हैं वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको सारे बोर्ड्स मिल जाएंगे सेव करे हुए। ठीक है, शो डेस्कटॉप पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप डेस्कटॉप के ऊपर कहीं पे भी कुछ भी लिख सकते हैं, किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर लिख सकते हैं। ठीक है, और ओपन बोर्ड के ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो इस सॉफ्टवेयर के जो और भी ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे दिखने लगेंगे, पॉडकास्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, कुछ सेटिंग्स अगर आपको करनी है तो वो प्रेफरेंसेस के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको पे ऊपर की टूल बार कैसे यूज करते हैं, साइड की टूल बार, ये जो इसके इनबिल्ट जो फंक्शंस हैं जैसे ऑडियो प्ले करना, मूवी प्ले करना, पिक्चर्स को लेके आना, ये सारी चीजें देखिए, जैसे वर्ल्ड मैप है, ये वर्ल्ड मैप यहाँ पे मैं लेके आ गया। ठीक है, कुछ चीजें इसने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इंस्टॉल करी हैं, बाकी चीजें भी आप यहाँ पे रख सकते हैं लाके। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, शेप्स हैं यहाँ पे कई सारे, ये देखिए मैथमेटिक्स के लिए फिगर्स अगर आपको चाहिए तो आपको यहाँ पे शेप्स मिल जाएंगी। ठीक है, कुछ इंटरेक्टिव चीज़ें भी हैं यहाँ पे, जैसे ये देखिए डाइस है यहाँ पे, ये देखिए जैसे ही आपने इसको रोल के ऊपर क्लिक करा तो ये देखिए डाइस आ गया। ठीक है, कुछ इंटरेक्टिव चीज़ें भी यहाँ पे हैं इसके पास जो आप यूज़ करके देख सकते हैं। दोनों तरफ आपको साइड बार्स मिल जाएंगे, इस तरफ की साइड बार के अंदर आपको पेजेस मिलेंगे और इस तरफ की साइड बार के अंदर आपको कई सारे इंटरेक्टिव ऑप्शंस मिल जाएंगे जो इस बोर्ड को और ज्यादा इंटरेक्टिव बनाने में आपको मदद कर सकते हैं। ठीक है, ये जो हाइड ओपन बोर्ड का ऑप्शन है इस ऑप्शन से आप इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये देखिए मैंने हाइड के ऊपर क्लिक करा तो ये मिनिमाइज हो गया। ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने डेस्कटॉप पे जो पॉडकास्ट मैंने क्रिएट करा था वो इसने यहाँ पे बना दिया है एज अ वीडियो। ठीक है, ये देखिए डेस्कटॉप पे इसने सेव कर दिया है वो वीडियो जो हमने पॉडकास्ट के थ्रू बनाया था। ठीक है, देख सकते हैं आप ये वीडियो जो अभी हमने करा था वही इसने यहाँ पे पॉडकास्ट के थ्रू डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर दिया है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने ओपन बोर्ड के सारे ऑप्शंस आपको बता दिए हैं, इसको कैसे यूज करना है, डिटेल में कैसे यूज करना है, एक एक ऑप्शन मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है। अगर फिर भी आपको कोई भी ऑप्शन यूज करने में प्रॉब्लम आए, समस्या आए, तो आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स पे जरूर रिप्लाई करूंगा, जितनी जल्दी पॉसिबल होगा उतनी जल्दी रिप्लाई करूंगा। और दोस्तों अगर ये वीडियो, ये एप्लीकेशन, ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी अपने क्लासेस के अंदर, अपनी मीटिंग्स के अंदर इस ओपन बोर्ड का यूज करके अपनी क्लासेस और अपनी मीटिंग्स को इंटरेक्टिव बना सके। काफी इजी टूल है तो इसे जरूर डाउनलोड करिए और यूज करके देखिए अपने कंप्यूटर और अपने लैपटॉप्स में। ठीक है दोस्तों,
आप लोगों से एक बार फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो एक नए ट्यूटोरियल के साथ। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि जो भी नया वीडियो मैं मेरे चैनल पे अपलोड करूंगा उसका सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिलेगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों, स्टे सेफ स्टे एट होम।